हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइट स्टिचेस। आज हम वुमेन्स पैंट की कटिंग करना सीखेंगे। आप चाहे बिगिनर हो या फिर अपनी स्किल्स को सुधारना चाहते हो, ये कटिंग ट्यूटोरियल आपके लिए बिल्कुल सही है। इस ट्यूटोरियल में हम आपको वुमेन्स पैंट कटिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, ताकि आप हर बार एक परफेक्ट फिटिंग की ट्राउज़र पैंट बना सकें। जिसके लिए हमारे पास मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें वेस्ट, हिप्स और लेंथ की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी का मेजरमेंट हम इन्हीं साइज से ही निकाल लेंगे। तो मैंने स्क्रीन पर अपना जो पैंट का मेजरमेंट है वो दे दिया है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सभी स्टेप्स फॉलो करते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्लाजो पैंट की कटिंग करना। तो ये फैब्रिक मैंने लिया है, इसको मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। और मेजरमेंट ये इस तरह से है। वेस्ट यहाँ पर 36 इंच है और हिप का जो साइज़ है वो 42 इंच है। लेंथ यहाँ पर जो ट्राउज़र पैंट की होगी वो 37 इंच होगी। तो वेस्ट का हम निकालेंगे 36 डिवाइड बाई 4, तो आ जाएगा ये 9 इंच। प्लस में 2 इंच हम एक्स्ट्रा करेंगे, हो जाएगा ये टोटल 11 इंच। तो हिप में वही मेथड फॉलो करना है, हिप डिवाइड बाई 4 प्लस 2 इंच। तो यहाँ पर 12.5 इंच हमारा हो जाएगा। लेंथ यहाँ पर 37 इंच है, 2 इंच हम प्लस करेंगे ऊपर के लिए और 2 इंच हम नीचे के लिए प्लस करेंगे इसमें। तो क्रोच एरिया हम निकालेंगे हिप डिवाइड बाई 4 प्लस 2 इंच, तो यहाँ पर 12.5 इंच आ जाएगा। बैक के लिए 4 इंच एक्स्ट्रा हम ऊपर की तरफ लेंगे फोल्डिंग के लिए, जहाँ पर इलास्टिंग हम डालेंगे। तो ये मेजरमेंट मैंने अपनी पैंट का ले लिया है और फैब्रिक को मैंने एक ही बार में 4 फोल्ड कर लिया है, डबल डबल फ्रंट पार्ट के लिए। तो ये मैंने बीच से फोल्ड किया है, आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से फोल्ड किया है ये। और ये बैक पार्ट का मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर लिया है, यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे। तो इस तरह से मैंने ये मार्किंग कर दी है। अब लाइन को हम यहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे 4 इंच पर जो मार्किंग हमने की है उस पर। तो ये लाइन को मैंने स्ट्रेट कर लिया है यहाँ पर। अब जो फैब्रिक हमारा फ्रंट पार्ट का है, इसको ऊपर हम उस लाइन के ऊपर रख लेते हैं। तो ये दोनों पार्ट हमारे बैक और फ्रंट के लिए सेम सेम मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। हम दोनों की पार्ट की कटिंग एक ही साथ करेंगे। तो ये डिज़ाइन थोड़ा सा चिकन वाला फैब्रिक है हमारा, तो ये एक्स्ट्रा यहाँ पर साइड में विदाउट एम्ब्रॉयडरी का फैब्रिक है, इसको हम अलग से निकाल देंगे। 1.5 इंच के तकरीबन ये है, तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है। अब हमें यहाँ पर वेस्ट जो है हमारी, उसका 4th पार्ट यहाँ पर जो हमने निकाला था वो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो मेरा 11 इंच यहाँ पर आता है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। तो जो हमने ये एक्स्ट्रा 1.5 इंच का फैब्रिक छोड़ा है, वहाँ से हमें 11 इंच रखना है और यहाँ पर वेस्ट के लिए मार्किंग कर देनी है इस तरह से। तो बिल्कुल इजी तरीका मैं यहाँ पर सिखा रही हूँ। अब हमें यहाँ पर क्रोच एरिया के लिए मार्किंग करनी है। तो 12.5 इंच हमने अपना यहाँ पर मेजरमेंट निकाला है, तो 12.5 इंच पर हम क्रोच एरिया के लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे। लेंथ भी हम वही रखेंगे और साइड से जो विड्थ है हमारे क्रोच एरिया के लिए वो भी हम यहीं पे रखेंगे। तो ये मैंने मार्किंग कर दी है 12.5 इंच पे। आप विड्थ के लिए भी हम 12.5 इंच पे यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो ये 1.5 इंच जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है, इसको हम यहाँ पर मार्किंग करते हुए और मार्किंग यहाँ पर कर लेते हैं 12.5 इंच की। 2 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पर क्रोच एरिया की जो हम राउंड शेप लगाएंगे उसके लिए लेंगे यहाँ से। तो ये 2 इंच के लिए भी मार्किंग मैंने कर दी है। लाइन को हम आगे बढ़ा लेंगे। अब क्रोच एरिया की और वेस्ट की जो हमने मार्किंग की है, उसको हम स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर साइड वाली जो मार्किंग हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाला है उसकी मार्किंग कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर क्रोच एरिया और वेस्ट वाली मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है इस तरह से। 2 इंच एक्स्ट्रा जो हमने राउंड शेप के लिए लिया है उसको हमें छोड़ देना है। अब यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर क्रोच एरिया की राउंड शेप लगानी है। तो यहाँ पर 1.5 इंच की ही हम एग्जैक्ट मार्किंग करेंगे। इससे हमारा जो आसन की तरफ से और नीचे से जो प्लाजो पैंट के जो पैर हमारे ऊपर की तरफ खिसक जाते हैं, आसन उखड़ा उखड़ा सा दिखाई देता है, वो यहाँ पर क्रिएट नहीं होगी प्रॉब्लम। तो 1.5 इंच पर ही आप यहाँ पर राउंड शेप लगाइए इस क्रोच एरिया की। तो ये लाइन मैंने यहाँ पर स्ट्रेट कर ली है।
अब इसको हम यहाँ पर हाफ में डिवाइड करेंगे, जितना हमारा 12.5 इंच आया है उसको हाफ में डिवाइड करके यहाँ पर फिटिंग के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो ये वाली मार्किंग मैंने कर दी है, अब इसको हम मैच कर लेंगे और ऊपर भी कमर के साइड में यही मार्किंग हम लगाएंगे। तो 6.25 इंच मेरा यहाँ पर आया है, ये हम यहाँ पर एक प्लेट्स डालेंगे 4 इंच की, तो उसके लिए ये मार्किंग मैंने की है। तो इसको हम नीचे तक स्ट्रेट कर लेंगे पहले इस मार्किंग को, इस तरह से मैंने ये स्ट्रेट कर ली है। बॉटम तक हमें इसी तरह से ये सेंटर वाली जो लाइन है उसे आगे बढ़ा लेना है। तो ये लाइन मैंने आगे बढ़ा ली है। अब हमें यहाँ पर 1 इंच क्रोच एरिया जो साइड है हमारा क्रोच एरिया का, उधर 1 इंच नीचे डाउन की तरफ मार्किंग करनी है और इसको साइड फिटिंग वाली मार्किंग से इस तरह से मिला लेना है। तो यहाँ पे हमारी बेल्ट आएगी, उसके लिए हमने यहाँ पर 1 इंच फैब्रिक नीचे डाउन कर दिया है। तो फ्रंट वाले पार्ट में हम क्रोचेरिया साइड में डाउन करेंगे 1 इंच और बैक वाले पार्ट में हम साइड की फिटिंग वाले साइड में 1 इंच डाउन करेंगे। अब 1.5 इंच पर हम यहाँ पर राउंड शेप लगाएंगे क्रोचेरिया की। तो इस तरह से ये मैंने राउंड शेप यहाँ पर लगा दी है। अब हमें यहाँ पर प्लीट्स के लिए मार्किंग करनी है, तो 1/2 इंच हम यहाँ पर दोनों साइड में मार्किंग करेंगे प्लीट्स के लिए, 1 इंच एक साइड में और 1 इंच दूसरे साइड में। तो 2 इंच फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर लिया है, तो 2 इंच हमारी यहाँ पर प्लीट्स आ जाएगी, फ्रंट पार्ट का हमारा एग्जैक्ट फिटिंग का बन जाएगा। तो ये 1/2 इंच की मैंने प्लीट्स की मार्किंग की है। अब नीचे हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर 4 इंच तक ही नीचे लेंथ में हम प्लीट्स को यहाँ पर क्रिएट करेंगे इस तरह से। तो ये प्लीट्स हमारी लग गई है। अब इस मार्किंग को हमें दोनों साइड में ट्रांसफ़र कर लेना है। सिर्फ ये प्लीट्स हमें फ्रंट पार्ट पर ही करनी है, बैक पार्ट में हमें प्लीट्स नहीं डालनी है। अब यहाँ पर हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, तो आपकी जो लेंथ है उसमें ऊपर आप बेल्ट के लिए 2 इंच फैब्रिक माइनस करके मार्किंग कीजिए। तो मेरा 37 इंच लेंथ है, 35.5 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्किंग की है। 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा, इसलिए मैंने 35.5 इंच लिया है। और लेंथ की मैंने दोनों साइड से मार्किंग कर ली है और 3 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए लिया है। अगर आप नीचे कोई डिज़ाइन क्रिएट करें तो आप उसकी लेंथ को कम कर लीजिए। मैंने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर, क्योंकि मैं नीचे डिज़ाइन नहीं करूँगी, फोल्डिंग ही करूँगी मैं नीचे। अब इस लाइन को भी हम आगे बढ़ा लेंगे और फोल्डिंग वाले फैब्रिक को भी आगे बढ़ा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ तक हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमें अपनी टोटल लेंथ यहाँ पर मेजर करनी है और उसका हाफ हमें यहाँ पर मार्किंग लगानी है इस तरह से। अब जो हाफ हमारा आया है, यहाँ से हमें नीचे 3 इंच पर एक और मार्किंग करनी है सेंटर वाली लाइन पर ही। यहाँ पर अगर आप चाहें तो बिल्कुल फिटिंग का यहाँ पर ट्राउज़र आप बनाना चाहें तो यहाँ पर आप जितना आपकी नी की विड्थ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप मार्किंग कीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लूज करूँगी, इसलिए मैं बीच वाला मार्किंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये मैंने यहाँ पर सिखाने के लिए यहाँ लाइन लगाई है। अब हमें नीचे बॉटम में मार्किंग कर लेनी है, तो मैं यहाँ पर मोहरी जो है हमारी पैंट की वो 8 इंच चौड़ी रखने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने दोनों साइड में 4-4 इंच की मार्किंग की है।
आप अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कीजिए। अगर आप यहाँ पर 8 इंच नहीं मोहरी रख के कम करना चाहें तो उसी को आप हाफ में डिवाइड करके मार्किंग कीजिए। तो मैंने यहाँ पर 4-4 इंच लगाया है। लाइट के इफ़ेक्ट की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर कम मार्किंग दिखाई दे रही है। अब हमें यहाँ पर फिटिंग वाली लाइन लगा लेनी है। तो मैं यहाँ पर स्केल की हेल्प से, जो शेपर है हमारा लेग शेपर, उसकी हेल्प से यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। तो क्रोच एरिया पे जो मार्किंग लगाई है वहाँ से हमें लेग शेपर को रखना है और नीचे जो हमने फिटिंग वाला मार्किंग की है वहाँ तक इस तरह से रखते हुए और एज इट इज़ शेपर की तरह ही मार्किंग यहाँ पर लगा देनी है इस तरह से। तो ये मार्किंग हमारी यहाँ पर लग गई है। अब दूसरी साइड में भी हमें इसी तरह से मार्किंग लेग शेपर की हेल्प से लगा लेनी है। तो इस तरह से बिल्कुल नीचे स्ट्रेट वाली जो लाइन हमने खींची है वहाँ तक हमें लेग शेपर को रखना है और मीडियम तक बिल्कुल एज इट इज़ लाइन लगानी है इस तरह से। और लेग शेपर को ऊपर की तरफ लाके फिर ऊपर जो हमारा साइड का फिटिंग वाला पॉइंट हमने लगाया हुआ है वहाँ तक हमें इसको मिला लेना है इस तरह से। और इस तरह से जो ये कोना यहाँ पर निकल गया उसको थोड़ा सा हमें कर्व डालते हुए, राउंड शेप थोड़ा थोड़ा लगाते हुए और ऊपर तक मार्किंग को बढ़ा लेना है। 2 इंच हमें यहाँ पर नीचे मार्किंग करनी है और 6 इंच के लिए हमें पॉकेट जो हम खोलने वाले हैं, पॉकेट यहाँ पर खुला भाग 6 इंच तक रखेंगे। तो ये मार्किंग मैंने पॉकेट के लिए भी यहाँ पर लगा दी है। पॉकेट हम जब स्टिचिंग करेंगे तभी हम यहाँ पर कट करेंगे, सिर्फ यहाँ पर मार्किंग मैंने की है पॉकेट के लिए। अब हमें सेम मार्किंग के ऊपर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट हम बाद में कट करेंगे, पहले हम ऊपर ऊपर का फैब्रिक कट कर लेते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट मैंने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। सिर्फ मैंने ये साइड की फिटिंग वाला पार्ट यहाँ पर कट किया है। बैक पार्ट के साथ हम साइड की फिटिंग वाला जो फ्रंट सेंटर वाला पार्ट है वो दोनों इकट्ठा कट करेंगे, बैक और फ्रंट। अब हमें यहाँ पर 1.5 इंच या फिर 2 इंच फैब्रिक आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जितना आप लूजिंग रखना चाहें उतना आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 इंच फैब्रिक लूँगी एक्स्ट्रा बैक पार्ट के लिए। तो क्रोच एरिया से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 2 इंच के लिए मार्किंग करना। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है वहीं जहाँ पर ख़त्म हुआ है वहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा बैक पार्ट के लिए मार्किंग करनी है और लाइन को आगे बढ़ा लेना है। और यहाँ पर हमें क्रोच एरिया की री यहाँ पर मार्किंग करनी है बैक पार्ट के लिए। तो सिर्फ हमें बैक पार्ट के लिए और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें यहाँ पर 2 इंच या 1.5 इंच, अगर आप चाहें तो 1.5 इंच हमें मार्किंग करते हुए साइड में फिटिंग वाला मार्किंग करनी है और ऊपर हमें यहाँ पर 3.5 इंच हिप की तरफ से मार्किंग करनी है। तो ये 2-2 इंच की मार्किंग मैं यहाँ पर पहले कर लेती हूँ इस तरह से। यही वाली मार्किंग हमें नीचे तक 2 इंच पर ही करनी है। ऊपर तक इस मार्किंग को इसी तरह से बढ़ा लेना है हमें।
बैक पार्ट के लिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा 4 इंच फैब्रिक लिया था, क्योंकि हम फोल्डिंग के लिए इसमें अलग से बैक पार्ट में जो जॉइंट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम साथ ही फैब्रिक इसको ले रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3.5 इंच फैब्रिक हमें यहाँ पर लेना है, तो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर फैब्रिक इसलिए लिया है बैक पार्ट में। तो यहाँ पर 3.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर दी है। अब इस मार्किंग को हमें आगे बढ़ा लेना है इस तरह से। तो 11 इंच हमारा कमर की फिटिंग का मार्किंग था, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर लिया है बैक पार्ट के लिए। अब जो 3.5 इंच वाला पॉइंट हमने यहाँ पर लगाया है, इधर से हमें 2 इंच फैब्रिक आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम 2 इंच की यहाँ पर बेल्ट रखने वाले हैं, तो 2 इंच की हमारी यहाँ पर फोल्डिंग आ जाएगी। तो बैक पार्ट में हमने एक्स्ट्रा 2 इंच इसी में ही ऐड कर लिया है। फ्रंट पार्ट के लिए हम बेल्ट अलग से लगाएंगे, बैक पार्ट में हमने फैब्रिक इसी में ऐड किया है। अब इस लाइन को आगे हमें इसी तरह से बढ़ा लेना है। तो ये 3.5 इंच फैब्रिक मैंने इसलिए लिया था ताकि जब हमारा बैठने पे जो फैब्रिक हमारा नीचे की तरफ खिसक जाता है, जो हमारा आसन है वो नीचे खिसक जाता है, वो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारी जो पैंट है बिल्कुल फिट हमारी बॉडी पे हो जाएगी। तो अब ये नीचे वाली जो लाइन है हमें 2-2 इंच आगे बढ़ा लेनी है, साइड की फिटिंग वाली इस तरह से, और लेग शेपर की हेल्प से जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में मार्किंग की थी, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर बैक पार्ट में भी मार्किंग कर लेनी है। तो इसी तरह से आप भी अपनी प्लाजो पैंट में मार्किंग करके और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग का प्लाजो पैंट क्रिएट करके आप पहन सकते हैं। तो ये प्लाजो पैंट की कटिंग यहाँ पर हमारी पूरी हो गई है। स्टिचिंग के लिए हमें यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट बनाना होगा, क्योंकि ये वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो गाइज, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर जॉइन अस टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। I hope this video is very helpful for you. If you need more details or any specific request, feel free to ask. Happy swing. Thanks for watching. Keep supporting and bye bye.